अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप नए यूट्यूबर होते हैं तो आप वीडियो बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं, और आपके जहन में ये भी ख्याल रहता है कि यूट्यूब हमको कब प्रमोट करेगा, मतलब मेरा चैनल कब प्रमोट करेगा, ये ख्याल आपके जहन में हर टाइम रहता है। तो दोस्तों जो यूट्यूब है वो आपके चैनल को जल्दी प्रमोट क्यों नहीं करता है? दोस्तों जब भी आप नया चैनल बनाते हैं ना, तो उसमें आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को अपने चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं और बेल आइकन का बटन भी दबा देते हैं और उनको बोलते हैं जब भी मेरी वीडियो है तो आपने उसको वॉच करना है। दोस्तों देखें, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, अगर उनमें से कुछ लोगों का चैनल होगा वो तो आपकी वीडियो शायद वॉच कर देंगे, जिनका चैनल नहीं होगा उनको आपकी वीडियो से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो आपकी वीडियो वॉच नहीं करेंगे, जिससे आपकी जो वीडियो की रीच होती है ना वो कम हो जाती है। इस तरह जो आपका वॉच टाइम है, जो WT है, वो भी नहीं बढ़ता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप अपना चैनल नया नया बनाते हैं ना, तो आप अपने लिंक जो शेयर करते हैं और रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर करने के बजाय ना, ऐसे लोगों को शेयर करें जहां से आपको वॉच टाइम भी अच्छा है और व्यूज़ भी आए। तो जब दोस्तों जब YouTube देखता है कि आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा आ रहा है, तो वॉच टाइम भी अच्छा आ रहा है, तो फिर वो इंप्रेशन आपके ज़्यादा करता जाता है। मैं अभी आपको कोई भी वीडियो अपनी ओपन करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है दोस्तों, कोई भी वीडियो के एनालिटिक्स में चला जाना है। मैं इधर जाता हूँ, एनालिटिक्स में जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, यूट्यूब इधर आपको एक ऑप्शन होता है रीच का ना, इधर आप आ जाए तो देखें दोस्तों यूट्यूब ने टोटल इम्प्रेशन भेजे हैं 2900। तो इम्प्रेशन जो यूट्यूब ने मेरी वीडियो को रिकमेंड किया है वो भी बता देता हूँ, 1900 में से 30 लोगों ने इम्प्रेशन से क्लिक किया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों YouTube जितने आपकी वीडियो के इम्प्रेशन ज़्यादा भेजता है, उतने आपकी वीडियो पे व्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। अगर आपकी वीडियो के YouTube इम्प्रेशन ही नहीं भेजेगा तो आपके व्यूज़ कहाँ से आएंगे? इसीलिए दोस्तों आप ये ख्याल रखें, जब भी आप नया नया चैनल बनाते हैं ना, उसको ग्रो करने के लिए आपने वहाँ पर लिंक शेयरिंग करनी है जहाँ से आपको वॉच टाइम भी अच्छा है और व्यूज़ भी अच्छे हैं। आप एक बात भी याद रखें कि अगर आपकी जो वीडियो है ना उस पर 10 व्यूज आ जाते हैं तो फिर YouTube 100 लोगों को लाजिम भेजता है, अगर 500 व्यूज आते हैं तो फिर वो 5000 लोगों को भेजता है। इस तरह जितने आपके इंप्रेशन ज़्यादा आते जाएंगे, इस तरह आपके व्यूज़ ज़्यादा आते जाएंगे। इस तरह अगर कोई आदमी एक वीडियो दिन में बनाता है, महीने में 30 वीडियो बनाएगा और साल में 365 वीडियो बनाएगा, तो उसमें उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं उसका चैनल ग्रो होने का। अगर आप ये कंसिस्टेंसी से आप काम नहीं करेंगे ना, तो फिर YouTube भी आपको कभी भी प्रमोशन नहीं करेगा। आपके चाहे 3 साल हो जाए, 6 साल हो गए, इससे YouTube को कोई गर्ज नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ दोस्तों, जब आप कोई किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें काम तो जैसे नहीं करते हैं तो फिर वो भी आपको प्रमोट नहीं करती है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने चैनल को जल्दी ग्रो कर सकते हैं जब आपका नया नया चैनल होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उससे ये होगा ना, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।